गाइस बात करेंगे रूमर टेम्परेचर की। देखिए जैसे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, केल्विन, रैंकाइन टेम्परेचर होता है, उसी प्रकार रूमर टेम्परेचर भी होता है जो यूरोप वगैरह में बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, अभी होता क्या है, तो इसको गाइस ऑक्टोजेसिमल डिवीजन भी बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि रूमर टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, तो ऑक्टोजेसिमल डिवीजन। अब ये गाइस डिग्री आर ई यानी कैपिटल आर स्मॉल ई या फिर डिग्री आर इस प्रकार स्मॉल आर इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिग्री रूमर अगर हम बात करें या रूमर टेम्परेचर की बात करें तो होता है 4/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, या हम इसको बोल सकते हैं कि रूमर टेम्परेचर इज इक्वल टू 0.8 इंटू डिग्री सेल्सियस। यानी अगर हमें डिग्री सेल्सियस का कन्वर्शन रूमर में करना है, 2 डिग्री सेल्सियस की अगर आपको वैल्यू पता करनी है कि रूमर टेम्परेचर की कितनी वैल्यू होती है, तो 0.8 इंटू 2 डिग्री सेल्सियस यानी होगा 1.6, यानी 2 डिग्री सेल्सियस यानी कितना होगा रूमर टेम्परेचर 1.6। उसी प्रकार अगर आपको 10 डिग्री सेल्सियस की पता करना है तो 10 डिग्री सेल्सियस इंटू 0.8 तो होगा 8, यानी रूमर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस का रूमर टेम्परेचर कितना होगा 8।